चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुए कि बिहार में सियासी उलटफेर का दौर जारी है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव रहे अली अशरफ फातमी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आज दोपहर वो आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में वो आरजेडी की सदस्यता ले लेंगे। लोकसभा चुनाव के मुहाने पर सभी पार्टियां खड़ी हुई हैं, लेकिन बिहार में अलग ही तरीके की राजनीति चल रही है। वहां पर सियासी उलटफेर यह होता है कि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं अली अशरफ फातमी, और अब वो जेडीयू का दामन छोड़ आरजेडी यानी कि लालटेन हाथ में लेने जा रहे हैं। लालू यादव और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में वो आज आरजेडी की सदस्यता ले लेंगे। अब इधर अली अशरफ के पार्टी से इस्तीफा देने पर जेडीयू ने पलटवार कर दिया, उन्हें परिवारवादी बता दिया। फातमी साहब को अगर नैतिक मूल्य समझ में आता रक्षा करने की बात, जब उनको फायदा लेने की बात हुई तो दरभंगा ग्रामीण से अपने बेटा को उम्मीदवार जनता दल यू का बना लिए, जब केवटी से एमएलए थे पार्टी में आए और यहाँ पे उम्मीदवार दरभंगा ग्रामीण से बना, वहां पे बेटा को टिकट दिलवाए। एक जनता दल यू के जो कार्यकर्ता थे, सिपाही थे, उनका टिकट काट कर अपने बेटा को चुनाव लड़ाए और जब हार गए उसके बाद फिर पार्टी में आप ब्लैकमेल करने का शुरू किए। राजस्थान में इधर चुनावों की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है, उसका कुंडा छोटा होता चला जा रहा है। खबर यह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे बाडमेर से पूर्व सांसद और कांग्रेस के नेता मानवेंद्र सिंह जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। एक रोज पहले जोधपुर के एक होटल में मानवेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अकेले में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ही से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि मानवेंद्र सिंह कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी में। इससे पहले मानवेंद्र सिंह कांग्रेस की पहली लिस्ट में जो नाम आए नहीं होने से खफा चल रहे थे। मानवेंद्र सिंह बाड़मेर से टिकट चाहते थे, जबकि कांग्रेस बाड़मेर से उम्मीदवार को टिकट देने पर विचार कर ही रही है। अभी राजस्थान में कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह के बीजेपी में शामिल होने के कयास पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से रिएक्शन आए हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस को डूबती हुई नाव करार दे दिया, तो कांग्रेस ने पार्टी छोड़ने वालों को डरपोक कह दिया है। ये पहले तो कहते थे कि कांग्रेस के नाम में छेद नहीं हुआ है, वो नाव ही डूब रही है, अब डूबती नाव में कौन बैठेगा। परिवार के सामने चुनौती हो और चुनाव की चुनौती चल रही हो तब आप यदि छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं युद्ध शुरू होने से पहले, इसका मतलब आप जैसे लोग डरपोक हैं। जो किसी भी विपरीत परिस्थिति शुरू होती है, युद्ध शुरू होता है चुनाव जैसा, तो आप भाग कर जाने लगते हैं, ऐसे लोगों से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इधर खबर यह कि राजस्थान में बीजेपी को भी झटका लग सकता है। कोटा डिवीजन के बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सूत्र दावा कर रहे हैं कि प्रहलाद गुंजल की कांग्रेस हाईकमान से बात हो चुकी है और दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस प्रहलाद गुंजल को कोटा लोकसभा सीट से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने टिकट देकर उतार सकती है। गुंजल वसुंधरा राजे सिंधिया के करीबी नेता माने जाते हैं, लेकिन कोटा बीजेपी की सियासत में प्रहलाद गुंजल और ओम बिरला धुर विरोधी रहे हैं, जिसका फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। झारखंड की सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने बगावत का बिगुल फूंक दिया। उन्होंने हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया। पार्टी छोड़ने के साथ ही सीता सोरेन ने विधायक पद भी छोड़ दिया। लेकिन सियासी हलचल तब और तेज हो गई जब अपने इस्तीफे के कुछ ही घंटे बाद सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई। दिल्ली में बीजेपी नेता विनोद तावड़े और लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। हम झारखंड में अभी शक्तिशाली हो रहे और इसलिए मैं बहन सीता सोरेन जी का स्वागत करता हूं। अपने इस्तीफे में सीता सोरेन ने अपना दर्द बयां किया। उन्होंने अपने खिलाफ जेएमएम में गहरी साजिश किए जाने के आरोप लगाए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीता सोरेन की बगावत को सोरेन परिवार और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सोरेन परिवार में बगावत के बीज उसी वक्त पड़ गए थे जब हेमंत सोरेन को जेल हुई थी। फरवरी महीने में ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोप में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, और हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपाई सोरेन को झारखंड का नया सीएम बना दिया गया था। जबकि सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने भी सीएम की कुर्सी पर दावा किया था, लेकिन दो दिन चली सियासी गहमागहमी के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की गद्दी हेमंत सोरेन के करीबी चंपाई सोरेन को मिल गई थी। और खबरों के मुताबिक उसी वक्त से सीता सोरेन जीएमएम में काफी अलग थलग पड़ गई थी। नतीजा ये रहा कि करीब एक महीने बाद सोरेन परिवार में पड़ी दरार दुनिया के सामने आ गई। सीता सोरेन ने जेएमएम और सोरेन परिवार से अपनी राहें अलग कर ली। परिवार और पार्टी से दूरी बनाने के साथ ही उन्होंने जमकर अपनी भड़ास निकाली।
और आरोप लगाया कि जेएमएम में लगातार उनकी उपेक्षा हो रही थी, जबकि वो झारखंड के सबसे ताकतवर सियासी परिवार की बड़ी बहू हैं। हम ऐसे जगह में रह करके क्या करेंगे जहां से मेरा कोई बात ही नहीं चल रहा है, कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है। सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी है। दुर्गा सोरेन शिबू सोरेन की चार संतानों में सबसे बड़े थे। 2009 में उनकी मौत हो गई थी। यानी रिश्ते में सीता सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी हैं। लेकिन खबरों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से पारिवारिक रिश्ते में पड़ी दरार बढ़ती ही जा रही थी और सोरेन परिवार में उत्तराधिकारी की लड़ाई इस कदर बढ़ी कि सोरेन परिवार बट गया। दुर्गा सोरेन के निधन के बाद सीता सोरेन ने दुमका जिले की जामा विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। इसके बाद वो इसी सीट से 2014 और 2019 में भी लगातार विधायक चुनी गई थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सीता सोरेन को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया था। लेकिन कहते हैं कि उत्तराधिकारी की लड़ाई लड़ रही सीता सोरेन की नजरें हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी। मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें नहीं मिली थी। सीता सोरेन के पति दुर्गा सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के बड़े बेटे थे और झारखंड को अलग राज्य बनाने की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और कहा तो यह भी जाता है कि शिबू सोरेन के बाद दुर्गा सोरेन को ही झारखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने वाली थी। दुर्गा सोरेन ने झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए पिता शिबू सोरेन के साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ाई लड़ी थी और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड एक अलग राज्य बन गया था। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ पूरे राज्य में दुर्गा सोरेन का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा। उनकी गिनती कद्दावर आदिवासी नेता के तौर पर होने लगी थी। कहते हैं कि गुरुजी यानी शिबू सोरेन भी दुर्गा सोरेन को ही अपना सियासी उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। लेकिन 21 मई 2009 को बोकारो में 40 साल के दुर्गा सोरेन का निधन हो गया। डॉक्टरों ने किडनी फेल हो जाने को उनकी मौत की वजह बताया था। दुर्गा सोरेन के निधन से सोरेन परिवार को बहुत बड़ा झटका लगा। जिस वक्त उनकी मौत हुई वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव थे, लेकिन उनकी मौत ने झारखंड मुक्ति मोर्चा में सोरेन परिवार के कई सदस्यों के लिए संभावनाएं बना दी। प्रहलाद गुंजल ने ट्वीट कर बीजेपी छोड़ने का इशारा किया। सोशल मीडिया पर लिखा कि याचना नहीं अब रण होगा। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सभी समन्स को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। आज हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। केंद्रीय एजेंसी ने केजरीवाल को अब तक 9 समन जारी कर दिए हैं और 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट के दरवाजे चले गए हैं और अब वहां जाकर गुहार लगा रहे हैं। इस पूरे मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो हाईकोर्ट पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। तारीख दर तारीख ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको समझाएंगे कि आखिर कैसे अब तक 9 समन जारी कर दिए गए। नवंबर से सिलसिला शुरू हुआ और अब अगले यानी कि इस साल तक आ चला है, मार्च तक हो गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होना चाहते।